हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे कॉलर कुर्ती नेक डिजाइन। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसे ऊनी कुर्ती के ऊपर बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल कॉटन की कुर्ती के ऊपर भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे शोल्डर 7.5 इंच लिए हैं क्योंकि हमें बोटनेक में डिजाइन बनाना है। और आर्म होल की लंबाई भी यहाँ पे 7.5 इंच ही लेंगे, आधा इंच डाउन करने के बाद से 7 इंच बचा है। सीने का चौथाई भाग 10 इंच और 2 इंच मार्जिन के साथ 12 इंच में इसकी चौड़ाई लिए हैं। आप अपने साइज के हिसाब से कुर्ती को कट कीजिएगा। देखिए ऊपर से 3 इंच 2 सूता ले लेंगे गले की चौड़ाई। अगर आप कम साइज का बना रहे हैं तो 3 इंच ही लीजिएगा। और लंबाई यहाँ से मैं 4 इंच ले रही हूँ गले की। और इस तरह से सबसे पहले एक बॉक्स को रेडी कर लेंगे। और बॉक्स को रेडी करने के बाद से इसमें सिंपली हम राउंड नेक का शेप देंगे। जो हम कॉलर वाले के लिए गले को कट करते हैं ना, सेम उसी तरह से कट करेंगे। यहाँ पे 14 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे क्योंकि 14 इंच तक हमें नीचे कट बनाना है। देखिए गले को यहाँ से कट कर लेंगे। और गले को कट करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए पेपर पेस्टिंग लेंगे। और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके यहाँ पे देखिए मैं डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 3 इंच ली हूँ और लंबाई यहाँ से मैं 11.5 इंच में ली हूँ। यहाँ से देखिए ऊपर से ना 2 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे और लंबाई इसका यहाँ से हम 10 इंच ले रहे हैं। नीचे से चौड़ाई ले लेंगे, एकदम 1 इंच लेना है। 1 इंच से आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो नीचे से चौड़ाई 1 इंच और ऊपर से 2 इंच में 2 सूता कम लेना है। और इस तरह से दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर के साइड थोड़ा सा फैला हुआ रहेगा और नीचे के साइड हम कम कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसी मार्किंग के ऊपर कट करना है। बाहर के साइड पेपर पेस्टिंग में 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाकी को कट कर लेंगे। और कट करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए इसे कॉटन के कपड़े के ऊपर प्रेस से पेस्ट कर लें, नहीं तो फिर सिलाई लगा करके भी आप इसे फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पट्टी को हम सेट करेंगे। तो देखिए पट्टी को सेट करने के बाद से आपको ऊपर से एकदम बराबर से छांट लेना है। और यहाँ पे कुर्ती को लेंगे और कुर्ती के सीधे साइड से एकदम बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और नीचे देखिए एकदम सेंटर मार्किंग करेंगे, यानी बिल्कुल बीचों बीच में आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से लाइन को सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए जो हम पट्टी रेडी किए थे उससे भी हम बीच से फोल्ड करेंगे और इसका भी हम सेंटर मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड एक छोटा सा कट लगा दें और नीचे की साइड यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट बनाते हुए मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल बीचों बीच से इस पट्टी को मिला के रखेंगे। दोनों साइड आपको सेंटर पॉइंट को मिला के सेट करना है और एकदम बीच में एक कच्ची सिलाई लगा करके इस पट्टी को एकदम सीधे में पहले सेट कर लेंगे ताकि जो कट है ना हमारा तिरछा ना बने। और सीधे में इस बीच में सिलाई लगाने के बाद से अब जिस तरह से हम पेपर पेस्टिंग को कट किए हैं ना, सेम उसी आकार में आपको सिलाई लगानी है। यानी पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल चिपकाते हुए आपको सिलाई लगानी है, सिलाई उसके ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। और अब बीच से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट कर लेंगे सिलाई के बाद एक चाप मार्जिन छोड़ते हुए। देखिए जहां जहां कोना है ना, कोने पर आपको फिनिशिंग के साथ कट लगाना है। और अब पट्टी को हल्का सा नाखून से प्रेस करते हुए अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप प्रेस लगा करके भी पट्टी को सेट कर सकते हैं, बट इस टाइम लाइट नहीं था इसलिए मैं इसके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। प्रेस से आप सेट करेंगे तो एक फायदा है कि इस पे कई सिलाई नहीं दिखेगी, क्योंकि पट्टी भी बीच में हम सेट करेंगे तो एक सिलाई और इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल सीधी पट्टी लिए हैं 12 इंच लंबाई में और चौड़ाई इसका हम 4 इंच लिए हैं। इस पट्टी को उल्टे साइड से देखिए डबल फोल्ड करेंगे और साइड से एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए सीधे में सिल लेंगे। नीचे से आप इसे पैक कर दें और जिस साइड से हम पैक किए हैं ना उसी साइड से इसको पलट करके हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ना इसको सीधा करने के बाद से अब हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। और प्रेस लगाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए साइड से सिलाई लगा करके भी आप इसे फिक्स कर सकते हैं जिस तरह से आपको सुविधा लगे। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि पट्टी अच्छे से बैठ जाए। और अब देखिए पट्टी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं सीधी या उरेबी कोई भी पट्टी आप ले सकते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे कंट्रास्ट कलर में और उस पट्टी को एक साइड से फोल्ड करेंगे। एक चाप सिंपली आपको फोल्ड करना है। और एक चाप फोल्ड करने के बाद से अब हम देखिए नीचे के साइड हमारा पट्टी का सीधा साइड है और सीधे साइड से नीचे से हम
उस उरेबी पट्टी को रखेंगे। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि ऊपर वाली पट्टी में से आपको ज्यादा मार्जिन में नहीं दबाना है, एकदम एक सूता ही लेना है, नहीं तो फिर पाइपिंग मोटी हो जाएगी। और नीचे वाला पाइपिंग वाला कपड़ा आपको एक सूता बाहर की साइड निकलते हुए स्टिच करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ और फिनिशिंग की सिलाई यहाँ से लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद से देखिए दोनों पट्टी सेम आइडिया से पाइपिंग करके रेडी कर रखे हैं। और अब हम कुर्ती को लेंगे और यहाँ से कुर्ती को लेने के बाद से एक इंच जो नीचे के साइड हम कट किए थे ना, तो एक इंच ही आपको पट्टी को दिखाना है दोनों साइड से, एक एक इंच आप कर देंगे तो दो इंच जो बीच का गैप है ना कवर हो जाएगा। तो अच्छे से लेबल को मिलाते हुए हम एक इंच इस पट्टी को बाहर की साइड दिखाते हुए बाकी अंदर की साइड मार्जिन में सेट कर लेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हम यहाँ से सुई को रोकेंगे और यहाँ से अंदर की साइड दूसरी साइड वाली पट्टी भी सेट कर लेंगे। और सेट करके इसमें भी हम सिलाई लगा करके दोनों साइड से आप देख सकते हैं पट्टी को बिल्कुल बीच में सेट कर लिए हैं। और अब यहाँ से जो थोड़ा सा ऊपर नीचे पट्टी दिख रहा है ना उसको कट करके यहाँ से क्लीन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा छांट लेंगे। अगर आपको गला थोड़ा छोटा दिखे तो आप गले को थोड़ा सा छांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोनों को आपको बराबर से मिला के छांट लेना है। और अब यहाँ पर देखिए यहाँ से 7.5 इंच पे एक आपको मार्किंग कर लेनी है क्योंकि यहीं तक आपको ओपन छोड़ना है ऊपर से और नीचे से यहाँ तक आपको पैक कर देना है। यहाँ से देखिए मैंने पट्टी रेडी कर रखा है और इस पट्टी को बिल्कुल बीच में रखते हुए दोनों साइड से इसके ऊपर हम दोनों पट्टी को चढ़ाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए आप जितना खुला रखना चाहते हैं, अगर ज़्यादा डीप आप रखना चाहते हैं तो फिर 1/2 इंच नीचे की साइड ही पट्टी को सेट करें, बीच वाली पट्टी को। तो देखिए इस तरह से हम सेट कर लेंगे। दूसरी साइड वाली भी जो पट्टी है ना उसको भी इसके ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच करेंगे और बीच में आप 1 इंच का गैपिंग दे दें, देख सकते हैं ऊपर के साइड 1 इंच तिरछा है। पीछे का गला का चौड़ाई 3 इंच लिए हैं और लंबाई 1 इंच में 2 सूता कम ही लिए हैं। बस पीछे का गला आपको एकदम थोड़ा सा कट करना होता है जितना आपका शोल्डर में ज्वाइंट हो। अब देखिए दोनों को अच्छे से सीधे साइड अंदर के साइड मिलाते हुए यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों साइड शोल्डर हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसमें जो कॉलर होता है ना उसका राउंड नाप करेंगे। तो यहाँ से देखिए डबल फोल्ड करके मैंने इसको अच्छे से रखा है, तो डबल फोल्ड में आपको नापना है जिस तरह से सेप है ना उस तरह से गोलाई देते हुए नापना है। तो यहाँ पे 9.5 इंच हमारा कॉलर का गोलाई आ रहा है डबल फोल्ड में। तो यहाँ पे देखिए बुकरम को डबल फोल्ड करके रखे हैं और इसका लंबाई 4 इंच और चौड़ाई 9.5 इंच लिए हैं। और इस तरह से देखिए फोल्डेड साइड से आपको 3 इंच तक आपको बिल्कुल सीधा रखना है और 3 इंच के बाद देखिए इस तरह से आपको राउंड सेप देना है नीचे से। बस राउंड देते हुए उस पॉइंट में ला करके मिला लेंगे। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको कॉलर कट करना बता रही हूँ। यहाँ पे एक बार राउंड को नाप लेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है कॉलर, क्योंकि 9.5 इंच ही हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा और अंदर से राउंड शेप देना। देखिए 1 इंच अंदर से हम दे देंगे तो जो इसका गोलाई है ना कम हो जाएगा। और अंदर से मार्किंग करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए एक बार और चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब 9.5 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो जहाँ भी 9.5 इंच आ रहा है ना वहाँ से हम गोलाई देंगे। अब देखिए 1 इंच अंदर के साइड मार्क करते हुए ना पूरे अंदर के साइड मार्क कर लेंगे 1-1 इंच की दूरी पर, क्योंकि कॉलर की चौड़ाई हमें 1 इंच ही रखनी है। तो देखिए इस तरह से आप 1 इंच पर मार्क कर लें और फिर देखिए यहाँ से इस पॉइंट को भी आपको राउंड देते हुए मिला लेना है इस तरह से। और मिलाने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ भी 9.5 इंच आ रहा है वहाँ से इस तरह से गोलाई दे देना है। जो अंदर वाला भाग है ऊपर के साइड रहेगा और जो हम कट कर रहे हैं ना वही हमारा नीचे के साइड ज्वाइंट होगा। तो इसको आपको 9.5 इंच मापना है। यहाँ से गोलाई देते हुए कॉलर को कट करेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी तरीके से मैंने कॉलर को कटिंग करना बताया है। और इसे देखिए कपड़े के ऊपर रख के इसे पेस्ट कर लेंगे। तो कपड़े के उल्टे साइड रख के आपको इसे पेस्ट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नीचे से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट कर लेंगे
और जो हम आधा इंच कपड़ा नीचे से एक्स्ट्रा लिए थे वो इसीलिए लिए थे कि इसे हम फोल्ड करके इसका जो किनारा है अच्छे से पैक कर लेंगे। तो एक साइड से देखिए जो नीचे वाला हमारा साइड है ना वहीं से हम इसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद से अब हम देखिए मेन कपड़े को लेंगे और मेन कपड़े की सीधे साइड अब हम इसे सेट करके रखेंगे। देखिए सीधे साइड हम सेट कर लिए हैं और जिस तरह से कॉलर की कटिंग हुई है ना बिल्कुल कॉलर को चिपकाते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपकी जो सिलाई है ना जो बुकरम है उसको ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए और बीच में गैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। सेम उसको आपको एकदम सटाते हुए सुई को छलाना है और यहाँ तक स्टिच कर लिए हैं। अब अंदर का जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा आए उसको कट करके निकाल लेंगे। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के बाद आपका एक चाप कपड़ा होना चाहिए मार्जिन के लिए। अब हम नीचे से देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए पूरे राउंड को मार्क कर लेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ते हुए कट कर लेंगे। यहाँ से देखिए अब जो ऊपर का घुमाव जहां भी आ रहा है ना वहां पे छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि जो हमारा कॉलर है ना अंदर के साइड अच्छे से फोल्ड हो जाए, यानी कॉलर अच्छे से सीधा हो जाए। कॉलर को सीधा करके आप इसके ऊपर प्रेस से भी सेट कर सकते हैं और सिलाई लगा के भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिलाई के साथ ही इसे सेट कर रही हूँ। तो देखिए पूरे कॉलर के राउंड पर ऊपर के साइड हम सिलाई लगा लेंगे और अब यहाँ से देखिए कॉलर को बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्किंग कर लेंगे, यानी कॉलर के बिल्कुल बीचों बीच में मार्क करेंगे और फिर गले वाले पार्ट का भी जो पीछे का सेंटर है ना वहां पे मार्क कर लेंगे। अब हम कुर्ती को उल्टे साइड करके रखें और जो कॉलर में नीचे की साइड आधा इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे ना बस उसी मार्जिन को पकड़ते हुए आपको कुर्ती में कॉलर को अटैच करना है। देखिए इस तरह से जो ऊपर वाला पैक वाला भाग है ना कॉलर का उसे हम ऊपर की साइड निकाल लेंगे और जितना आप मार्जिन में दबाते हो ना उतना ही आपको एक्स्ट्रा लेना है कटिंग करते टाइम कॉलर में नीचे की साइड। तो देखिए इस तरह से मैं दोनों कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे सेट करते हुए सिलाई लगा ली हूँ और यहाँ पे सेंटर पर आपको ध्यान देना है कि जो कॉलर का सेंटर है और गला का सेंटर है दोनों एक जगह आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कॉलर एक साइड बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत होगा सेट करने में। तो इन सब चीज का आपको ध्यान देते हुए कॉलर ज्वाइंट करना है और आप देख सकते हैं कि एकदम कुर्ती का नेक और कॉलर का राउंड दोनों हमारा सेम आया है और यहाँ पे लास्ट तक हम कॉलर को ज्वाइंट कर लिए हैं। ये ऊनी कपड़ा है इसलिए इसमें कॉलर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप सिंपल कपड़े पे बनाओगे तो और फिनिशिंग के साथ बन के आएगा ये। अब हम देखिए इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद से अब हम कॉलर को सीधे साइड सेट करते हुए देखिए जो फोल्डेड साइड हम किए थे ना उसको ऊपर के साइड करते जाएंगे और जो कॉलर का मार्जिन हम दबाए थे ना उस मार्जिन को आपको अंदर की साइड सेट करते जाना है और कॉलर के एकदम कॉर्नर पर यानी एकदम किनारे पर आपको सिलाई लगा करके सेट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से ना पूरे राउंड को हम कॉलर अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और आप देख सकते हैं कि लास्ट तक हम आ गए हैं और यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से कॉलर का फाइनल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही फैंसी आया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज